Hello class 10th students, how are you all? Hope all of you are fine. And today in this video beta, we are going to start our new exercise 12.2. जो हमारी exercise 12.2 है बेटा, वो किस formula पे based है? वो formula है हमारा area of sector. तो सबसे पहले हम area of sector का formula देखते हैं. Theta by 360 into pi r square. देखिए बेटा, sector कैसे बनेगा? इस तरह से ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर और ये ए और बी दो पॉइंट से ये आर्क बनी. तो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है बेटा? सेक्टर इज द एरिया, इट इज द एरिया बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियाई, उसको हम सेक्टर बोलते हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर इफ दिस इज द एंगल थीटा. चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है हमारा थीटा बाई 360 इंटू 2 बाई आर. एंड वन मोर फॉर्मूला इज देयर एंड द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेटा. अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं. देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के हैं हमारे, उन पे फोकस करेंगे हम. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है बेटा. रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल थीटा है वो हमें गिवन है 60 डिग्री. तो आपको कहा गया है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करिए. तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इट मींस 60 बाय 360 इंटू 22/7 6 इंटू 6. जीरो से आपने जीरो कट की बेटा, 6 से भी कट कर लिया और ये 6 भी आपका कट हो गया. एंड द आंसर इज 22 इंटू 6 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्ट. तो बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन नंबर 1 कर पाए बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है लेंथ ऑफ मिनट हैंड. आपको क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड. ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होगी ना बेटा, ये हमारे लिए रेडियस का काम करेगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर. अब कहता है कि एंगल मेड बाय 5 मिनट्स हमें बताना है. तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं एंगल मेड इन 60 मिनट्स. 60 मिनट में एंगल 360 डिग्री बनता है, पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है. तो एंगल मेड इन 1 मिनट होगा हमारा 360/60 दैट इज 6 डिग्री. एंड एंगल मेड इन क्वेश्चन में कहा गया है 5 मिनट्स. सो 6 इंटू 5 दैट इज 30 मिनट्स. तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा एरिया क्या है. फॉर्मूला क्या पूछा गया है आपसे? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. तो क्या आएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 30/360 इंटू 22/7 एंड आर इज 14 इंटू 14. तो एक जीरो से एक जीरो कट की बेटा हमने, उसके बाद 3 1 जा और ये आ गया 12. उसके बाद क्या कट कर लिया? उसके बाद हमने इसको फिर से कट किया, 7 2 जा एंड 2 6 जा. इवन देन वी हैव कटेड इट, 2 3 जा 2 7 जा. ये आपके पास आएगा
मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया आपके पास 154 बाय 3, और यू कैन से 51 एंड 1 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये एरिया आ गया है बेटा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन हाउ मेनी मिनट्स, इन 5 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सेक्टर तो हम निकाल सकते हैं, सो वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन 5 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो रेडियस है इसमें वो है 21 सेंटीमीटर, जो एंगल थीटा है वो है 60 डिग्री। आपको सबसे पहले बतानी है लेंथ ऑफ आर्क। द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इट मींस 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज पाई, इट इज आर। सो कट किया बेटा 6, ये आया 6, 7 को कट किया 3, 2, 6, ये पूरा कट हो गया आपका, आंसर जो आया वो आया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एरिया फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो आपको सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है वो है एरिया फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क ने जो एरिया फॉर्म किया वो निकालना है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स 60 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21। तो इसको कट किया 7 थ्री ज़ा, देन 3 टू ज़ा, देन 11 ज़ा। सो 11 इंटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आ गया हमारे पास। एक और थर्ड पार्ट है फाइंड आउट करने वाला, इसमें आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं बेटा, या फिर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 साइन थीटा मीन्स साइन 60 दैट इज रूट 3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 231 माइनस 441 रूट 3/4, और ये आपके पास आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया बेटा, ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ सेगमेंट। सो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, विच इज ईजी टू फाइंड आउट एंड यू कैन डू इट वेरी सिंपली। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इसकी हेल्प से बेटा आप मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सभी सेगमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट फॉर प्रैक्टिस। आप इस क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस करेंगे। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस है, वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आपका 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस आपके इस ईयर आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। तो आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक इन फॉर्मूलाज की या इन रिजल्ट्स की हेल्प से ट्राई करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना वर्क आप इजीली कंप्लीट करें, फॉर्मूलाज को ध्यान से देखें एंड ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.